राजा, आपके ससुराल में आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है अगर आप बहुत सारा जहेज लेकर जाएं तो। अरे पानी खुला हुआ है, किन सोचों में गुम हो बेटा? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हारी अब्बू से कोई बात हुई थी? रात तो वो मुझे कह रहे थे कि शादी कर देंगे, अब कह रहे कि उन लोगों से वक्त मांग लो। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर अब्बू ने ऐसे कहा है तो फिर आप अब्बू से पूछे ना क्यों कहा है। देखो ऐसा मेरी जान, इमरान अच्छा लड़का है, मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते से इनकार हो। इमरान अच्छा लड़का है तो क्या मैं बुरी लड़की हूँ? नहीं नहीं मेरी जान, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो ऐसे राय नहीं कि आपका यही मतलब है कि वो मुझसे शादी करके कोई एहसान कर रहा है मुझ पर? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। तो क्या मुझ जैसी लड़कियाँ जगह जगह पड़ी होती हैं हमें? क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। लोगों के माँ बाप ना जाने क्या करते हैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए खासतौर पर, और आप तो ऐसे बस मुझे जैसे भुगताना चाह रही हैं अम्मी। तो बेटा हमने भी तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है? मैं अब्बू की बात नहीं कर रही, आप मुझे ताने देने के अलावा क्या देती हैं अम्मी? और जो थोड़ा बहुत अब्बू भी मेरे लिए करना चाह रहे हैं वो भी आप करने नहीं दे रहे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू की जितनी हैसियत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। अम्मी आपकी सोच है, ये सब कुछ अब्बू कर सकते हैं और वो करना चाहते हैं, और ये सब कुछ मैं भी चाहती हूँ। रिश्ता तो आपने मेरी मर्जी से तय नहीं किया, मुझे जहेज तक भी नहीं दे सकती। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, मैं आपकी एक ही बेटी हूँ, मेरा हक है ये। बल्कि शादी का कार्ड तक भी ना मुझे अपनी मर्जी का चाहिए, अपनी पसंद का, मुझे नहीं पता। अरे बेटा ये शादी के कार्ड का क्या दिखावा है? बस है दिखावा, मुझे अपनी पसंद का शादी का कार्ड चाहिए। हर कार्ड पे प्लीज पैसे मत बचाएं, एक ही बेटी हूँ आपकी।